हेलो एवरीवन, बेकरी प्रोडक्ट बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेज़रमेंट, और मेज़रमेंट को लेके जितने कन्फ्यूज़न है ये वीडियो में आपके सारे सॉल्व होने वाले हैं। चलिए तो मैं आज बताती हूँ आपको कि मेज़रमेंट कैसे किया जाए। हेलो, वेलकम टू स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट, दिस इज़ सेफ स्नेहा फ्रॉम सूरत। सो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि परफेक्ट मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक कप एंड स्पून का सेट होता है। ये कप स्पून का सेट इजीली आपको अमेज़ॉन से अवेलेबल होगा। मोस्ट प्रोबरली जितनी भी हमारी रेसिपी होती है हम ये ही कप एंड स्पून फॉलो करते हैं। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे मेज़र किया जाता है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये है हमारा एक कप। एक कप यानि ये है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 16 टेबल स्पून। सो ये 16 टेबल स्पून यानि ये होता है 240 ml। सो कोई भी इंग्रेडिएंट आप मेज़र करते हो तो ये ml में 240 ml का कप होता है। यहाँ पे फुल आप भरोगे तो ये होगा 240 ml। इसके बाद यहाँ जो सेकेंड लाइन है वहाँ तक आप भरते हो तो यहाँ पे होता है ये 8 टेबल स्पून, यानी कि 16 टेबल स्पून से बिल्कुल आधा। और ये थर्ड लाइन जो है वहाँ तक आप भरते हो तो ये हो जाएगा 4 टेबल स्पून। सो यानी 4 टेबल स्पून, 8 टेबल स्पून एंड फुल भरोगे तो 16 टेबल स्पून। एंड ml में हम इसको देखते हैं तो वो होता है 240 ml। सो ये कप आपको मेज़र करने में बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे लाइंस दिए गए हैं। सो वो लाइन आपको बहुत ही अच्छे से मेज़र करने में मदद रूप होंगे। तो ये मेरा है 240 ml का एक कप। इसके बाद इसमें जो दूसरा कप आता है वो है 2/3 कप। सो 2/3 कप ज़्यादातर रेसिपी में इतना यूज़ नहीं होता है, फिर भी आपको यहाँ पे मिलता है 2/3 कप। और 2/3 कप को यहाँ पे फर्स्ट फुल भरोगे तो 2/3 कप होगा, बट यहाँ हाफ लाइन तक आप भरोगे तो ये होगा 1/3 कप। तो बहुत सारी रेसिपी में आपको 1/3 कप भरना होगा, तो ये लाइन तक आप भर सकते हो। एंड आप फुल भरते हो तो वो होता है 2/3 कप। इसके बाद थर्ड वाला जो कप है ये है हमारा यहाँ पे 1/2 कप। सो 1/2 कप जो है वो फुल आप भरते हो तो 1/2 कप, और ये लाइन तक आप भरते हो तो नीचे तक, तो ये होता है 1/4 कप। सो ये 1/2 कप है वो आपका हो गया 120 ml। सो 1 कप जो है वो 240 ml, 1/2 कप है वो हो गया आपका 120 ml। एंड ये जो लास्ट कप है ज़्यादातर यूज़ होता है ये बहुत सारी बेकरी रेसिपी में, तो 1 कप 1/2 कप एंड 1/4 कप। तो ये जो 1/4 कप है ये फुल आप भरते हो तो 1/4 कप, और ये लाइन तक आप भरते हो तो ये हो जाता है 1/8 कप, यानी कि 1/4 का भी आधा। सो ये 4 कप जो मैंने आपको बताए हैं, 1 कप 2/3 1/2 कप एंड 1/4 कप। सो ये 4 कप का जो सेट इजीली आपको अमेज़ॉन पे या मार्केट में अवेलेबल है वो आपको ख़रीदना है, अगर आप कोई भी इंग्रेडिएंट कप से मेज़र करते हो तो। सो आई रिपीट, 240 ml, ये हो गया 120 ml, और ये हो गया हमारा 60 ml। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कप को मेज़र करना है। पर बेकरी के प्रोडक्ट्स जब आप बनाते हो तो कप से मेज़र करने से ज़्यादा किचन स्केल यानी कि वेइंग स्केल से आप जितना परफेक्ट मेज़र करोगे वो आपका ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगी। अब इसके पहले हम देख लेते हैं स्पून के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास 4 स्पून है। 4 स्पून में ये जो आता है फर्स्ट स्पून वो होता है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून यानी कि यहाँ पे कोई भी स्पून आप लोगे इसके ऊपर लिखा होगा 1 TBSP, या तो टेबल स्पून। इसका मेज़रमेंट जो होता है वो 15 ml है। यहाँ पे फुल आप भरोगे तो ये होगा 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे 1/2 बॉल यानी कि लाइन तक आप भरोगे तो वो आपका हो जाएगा 1/2 टेबल स्पून। दूसरा हमारा जो स्पून है वो है 1 टीस्पून।
1 teaspoon यानी कि 1 TSP और उसका मेजरमेंट होता है 5 ml. सो फुल अगर आप भरते हो तो वो 5 ml यानी 1 teaspoon है और यहाँ हाफ बॉल यानी कि ये लाइन तक आप भरते हो तो वो होता है ½ teaspoon. हाफ टी स्पून यानि आपका हो गया 2.5 ml. इसके बाद हमारे पास है हाफ टी स्पून, आधा तक भरते हो हाफ बॉल तक तो वो हो जाता है 1/4 teaspoon. उसके बाद लास्ट स्पून जो होता है वो है हमारे पास 1/4 teaspoon. सो 1/4 teaspoon से भी आधा यानि कि यहाँ पे लाइन तक हाफ बॉल तक आप भरोगे वो हो जाएगा 1/8 teaspoon. सो यहाँ पे ऐसे मेजर में फायदा आपका ये रहेगा कि कभी कभी आपको वेट इंग्रेडिएंट और ड्राई इंग्रेडिएंट दोनों लेने हैं तो यहाँ आधा ये आपने ड्राई इंग्रेडिएंट में लिया है तो यहाँ पे वेट लेना है तो उस तरीके से सेम मेजर का आपको दूसरे स्पून में भी मिल जाएगा. तो ये बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा आपको हर एक मेजरमेंट के इंग्रेडिएंट को सही करने के लिए. ओके सो और सारे बहुत कप स्पून मेजर के सेट ऐसे मार्केट में अवेलेबल है जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हो तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि कौन से कप स्पून मार्केट में अवेलेबल है. सो ये एक मेरे पास है जो इम्पोर्टेड है, US का है, थोड़ा मूवेबल है ऐसे, एंड ये भी सेम 240 ml का ही मेज़र है. तो यहाँ पे भी 240 ml है और वह हाफ है यानी कि 1/2, 1/3 एंड 1/4. यहाँ पे 2/3 नहीं आता है, यहाँ पे 1 cup के बाद हाफ कप डायरेक्टली 1/3 एंड फिर 1/4 आता है. जो मैंने आपको ब्लैक बताया वो उसमें 2/3 का भी एक ऑप्शन है, बाकी ये सेम मेज़र है. तो यहाँ पे भी 240 ml से स्टार्ट होता है. तो ये वाला भी अगर मार्केट में आपको मिलता है तो ले सकते हो, पर हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे आपको कि ब्लैक वाले से ही हम सब कुछ सिखाते हैं तो वो ईजीली आपको बहुत ही अच्छी कॉस्ट में मिल जाएगा. सो सेकेंडली एक मिलता है मार्केट में ऐसे रेगुलर कप एंड स्पून सेट जो होता है 200 ml का. सो 200 ml एंड 240 में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, पर ये 200 ml का होता है देन हाफ कप 1/3 एंड 1/4 cup होता है. टेबलस्पून जो आता है इसमें, तो जैसे उसमें आपको बताया मैंने कि वन लाइन तक देखना है तो यहाँ पे एक इधर तो एक इधर आता है. सो यहाँ पे 1 tablespoon 1 TBSP होता है तो पीछे 1/2 TBSP होता है. यहाँ पे 1 TSP होता है तो पीछे 1/2 TSP होता है. एंड लास्ट 1/4 TSP होता है तो पीछे 1/8 TSP होता है. सो टेबल स्पून में ज़्यादातर कोई भी कप स्पून आप मार्केट से खरीद लो या अमेजोन से खरीद लो कोई फ़र्क नहीं होता है, कप में ही होता है कि 200 ml 240 ml. और एक मेरे पास है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखिए ये है 250 ml एंड ये है यहाँ पे हमारा 125 ml यानी कि 1 cup, 1/2 cup, 1/3 cup एंड 1/4 cup. सो ये 250 ml का है. सो 250 ml, 125 ml और उससे आधा और उससे आधा. सो ये भी मार्केट में अवेलेबल है. सो 10 ml का आपको फर्क लगेगा. एंड इसी के साथ ये स्पून सेट आता है वो होता है 1 tablespoon 1 teaspoon 1/2 teaspoon 1/4 teaspoon. यहाँ पे क्या होता है कि आपको हाफ लेवल तक अंदाज से काट के टेबलस्पून टीस्पून जो लेना है वो लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे टेबलस्पून टीस्पून 1/2 teaspoon and 1/4 आता है. तो जब आपको 1/2 tablespoon या तो 1/8 teaspoon करना होगा तो इसका एग्जैक्ट आधा अंदाज से आपको भरना होता है, तो यहाँ पे 4 spoon ही आती है. सो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि ब्लैक वाला जो है वो कोई भी बिगिनर्स या फ्रेशर्स होंगे ना तो भी वो लाइन से परफेक्टली मेज़र कर पाएंगे और एक एक्स्ट्रा 2/3 का मेज़र भी हमको इसमें मिल रहा है. ओके तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परफेक्टली आपको किचन स्केल या वेइंग स्केल से कैसे इंग्रेडिएंट को मेज़र करना है.
पर यस, इसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे इंट्रोडक्टरी वीडियो बेकरी के लिए हमारी चैनल पे है, वो आप ज़रूर से देख सकते हो, जिसमें है घर पे इजीली मिल्कमेड कैसे बना सकते हो, 10 टिप्स बेकरी की फ्रेशर्स के लिए क्या है वो है, इसके अलावा हाउ टू यूज़ ओटीजी कैसे इस्तेमाल करोगे वो भी है, ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे ये बेकरी प्रोडक्ट बनाने में। तो ऐसे सारे बेकरी के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जो आप देख सकते हो। तो चलिए ये किचन स्केल से हम ये सारे इंग्रेडिएंट कैसे मेज़र कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये मेरा जो है वो 1 केजी से लेके 5 केजी का वेट लेता है, तो यहाँ पे उसकी जो स्विच है उसको मैंने थोड़ा सा प्रेस कर देना है और यहाँ पे 0 आ जाता है, राइट। अगर ये 0 आ जाता है यानी कि जो आपको वेट करना है वो इस तरीके से कर सकते हैं, पर आपको ऐसे कोई भी बर्तन के अंदर काम करना है तो इसका वेट हमको हमारे मैदे के साथ कभी भी नहीं लेना है। तो क्या करेंगे कि ये रखने के बाद हम 0 करेंगे, सो यहाँ 0 करने के बाद ही इसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो सबसे पहले हमने ये बर्तन रख देना है और फिर हमको 0 करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये कप रखने के बाद 0 आ गया, यानी कि हमारा जो मेजरमेंट है उसमें इसका जो वेट है वो कभी भी नहीं आएगा। अब हम इसमें मैदा डालते हैं और फिर देखते हैं कि मैदा कितने ग्राम होता है 1 कप में। सो देखिए यहाँ पे हमारा मैदा का वेट बता रहा है 130 ग्राम, और हमेशा से आपको लेवल करके मैदा लेना है। यहाँ पे थोड़ा अभी गैप है वो जा सकता है, तो ऐसे करके आपको एक ऐसे लेवल कर लेना है। यहाँ पे 130 ग्राम था पर अभी हमारे पास जगह थी, मैंने मैदा ऐड किया एंड जस्ट इसको ऐसे लेवल कर लेना है। सो यहाँ पे देखिए हमारा मैदा हो गया है 140 ग्राम। सो 240 ml का जो हमारा मेजर कप है उसमें मैदा होता है 140 ग्राम, और लेवल करके हमेशा से आपको इंग्रेडिएंट को लेना है, कभी भी हिप में नहीं भरना है। ओके, तो इसके बाद ये वाला जो कप है वो है 2/3, और जो मैंने बताया नीचे होगा 1/3, पर यहाँ पे 1/3 अगर आपको कुछ भरना है तो ये लेवल तक हम भर सकते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास यहाँ पे 1/2 कप है, तो उसको यहाँ पे रख के वापस रिसेट करके 0 लाते हैं और फिर इसमें मेजर करते हैं। सो देखिए यहाँ पे 0 हो गया है। अभी यहाँ पे आपको अगर कंडेंस मिल्क या ऐसा कोई इंग्रेडिएंट भरना है तो आप यहाँ पे भर सकते हो और उसका वेट ले सकते हो, पर हम अभी इसमें भर रहे हैं मिल्क, तो मिल्क हम भर रहे हैं ना, तो उसके लिए एक बार आप किचन स्केल से नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि उसका मेज़र ml में होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो हम भर लेते हैं मिल्क को 1/2 कप। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया है 1/2 कप। अगर आपको इसमें मिल्कमेड मेज़र करना है तो वैसे सेम आपको यहाँ पे किचन स्केल पे करना पड़ेगा, पर अगर आप सिर्फ मिल्क ले रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है, अगर एक बार किचन स्केल नहीं भी यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे 1/2 कप यानी कि 120 ml होता है, पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि 112 ग्राम हो रहा है, पर आपको ml करना है तो सीधा ही आपको ऐसे मिल्क भर के ले लेना है। तो ज़्यादातर बेकरी की रेसिपी में आपको 1/2 कप मिल्क आता है तो वो आपको ऐसे लेना है और वो होगा 120 ml। अभी हम ले रहे हैं यहाँ पे 1/4 कप, और उसको भी वापस किचन स्केल पे रख के रिसेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे 0 आ गया है। अभी हम इसमें मेज़र कर रहे हैं सॉल्टेड बटर का। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो 1/4 कप है इसमें हमने भरा है यहाँ पे सॉल्टेड बटर, और इसका वेट बता रहा है 55 ग्राम। अगर आप 1/4 कप लेते हो इससे बेटर होगा कि आप इसको कप मेज़र से ज़्यादा यहाँ किचन स्केल पे करो जब आपको बेकरी प्रोडक्ट बनानी है। तो यहाँ पे 55 ग्राम हमारा ये बटर हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हमने 1 कप एंड 1/2 कप एंड 1/4 कप मेज़र किया है ग्राम में। एक 2/3 कप जो बाकी है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे इसको मेज़र कर सकते हो। तो वापस हम इसको करते हैं रिसेट।
तो यहाँ पे हमने 2/3 कप को रिसेट कर दिया है। अभी मैं इसमें डालती हूँ पिसी हुई शक्कर, या आप साबुत शक्कर भी ले सकते हो, आपको जो इंग्रेडिएंट लेना है ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2/3 कप में हमारी पिसे हुई शक्कर हो गई है 85 ग्राम। ओके, तो हमने देखा कि कप से कैसे मेजर करते हैं सारे इंग्रेडिएंट को, वैसे ही हम देखते हैं स्पून से कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 टेबल स्पून। सो 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ले रही हूँ डार्क कोको पाउडर फॉर बेकिंग। तो यहाँ पे उसको हमेशा से आपको लेवल करना है। कोई भी इंग्रेडिएंट को बेकरी में जब आप काम कर रहे हो लेवल करके लेना है, तो मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लेवल कर लिया है। सो ये हो गया 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। अब मैं कर रही हूँ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से हम कर रहे हैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर, और इसको भी हम करते हैं लेवल। एंड ये है हमारा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम कर रहे हैं 1/2 टीस्पून ऑफ सोडा बाइकार्ब, और इसको भी कर रहे हैं लेवल। सो ये है 1/2 टीस्पून सोडा बाइकार्ब। एंड जो लास्ट स्पून है वो है 1/4 टीस्पून। सो 1/4 टीस्पून अगर आपको कोई इंग्रेडिएंट लेना है तो इसमें ले सकते हो। फिलहाल मैं सोडा बाइकार्ब भी लेती हूँ, या फिर इसका आधा यानी कि 1/8, तो आपको यहाँ इसका भी 1/2 तक भरना होता है। सो यहाँ पे ज़्यादातर 1/4 टीस्पून में सोडा बाइकार्ब है या नींबू के फूल है। कहीं कहीं जो इंग्रेडिएंट कम यूज़ होते हैं वो हमेशा से 1/4 टीस्पून में आते हैं। ये हमने सारे टेबलस्पून मेज़र किए हैं। अगर आपको पूरा भर के ऐसा बोला जाता है तो आप थोड़ा सा हीप में ले सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली ये जितने भी इंग्रेडिएंट है वो आपको लेवल करके ही लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, डार्क कोको पाउडर, या फिर आपको ज़्यादातर इसमें एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करना होता है तो वहाँ पे भी आपको 1 टेबल स्पून मेज़र देते हैं, तो वो भर के ही आपको लेना है। सेकेंड हमारे पास है 1 टीस्पून यानी कि TSP, वो हमने भरा हुआ है यहाँ पे, ये वेकफील्ड का बेकिंग पाउडर। और ये 1/2 टीस्पून है वो हमने भरा है टाटा का जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा या तो सोडा बाइकार्ब, तीनों एक होता है, वो हमने इसमें भरा हुआ है। एंड लास्ट में भी मैंने भरा हुआ है ये हमारा सोडा बाइकार्ब। तो 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून एंड 1/4 टीस्पून आपको टेबलस्पून एंड टीस्पून ऐसे ही मेज़र करना है। तो ये हमारा जो नॉलेज का वीडियो है वो आपको पसंद आया है तो हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड यस, ऐसे ही हमारे OTG का कि कैसे OTG ऑपरेट कर सकते हो, घर पे इजीली मिल्कमेड कैसे बना सकते हो, 10 टिप्स फॉर फ्रेशर्स के लिए बेकिंग के लिए, ऐसे बहुत सारे वीडियो है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे जो आपको देखना है एंड सारी रेसिपी को परफेक्ट बनाना है। इसके साथ साथ कलिनरी रेसिपी का भी आप मेज़रमेंट कैसे कर सकते हैं वो भी हमारा वीडियो है। तो ये सारे वीडियो आप देखिए एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई कोई भी नॉलेज की या रेसिपी के वीडियो के साथ। क्या आप जानते हो कि स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन भी है जो 250+ कंट्रीज में वैलिड है? नहीं सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी बहुत इजीली हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप आप एनरोल कर सकते हो। एंड 15,000 के वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है हमारी एप्लीकेशन पे। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड लर्न फ्रॉम गुजरात नंबर 1 कुकिंग इंस्टीट्यूट।